वेलकम टू एचएम क्लासेस। एचएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं डीएसएसबी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है। 1809 वेरियस पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी 10th 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग देखने को मिल रही है। एप्लीकेशन फीस निल है फॉर वुमन एससी एंड एसटी कैंडिडेट। अदर कैंडिडेट के लिए ओनली 100 रुपीज़ है। चलिए हम पूरी जानकारी लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इम्पोर्टेंट नोट, इसमें यही कहा गया है कि जो एप्लीकेशन सबमिट किए जाएंगे वो ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। अदर मोड से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होंगे, वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएंगे। इसमें ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 15 मार्च है। 15 मार्च के बाद आप किसी भी समय अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट है 14 अप्रैल दी हुई है। 14 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसमें पोस्ट अलग अलग दी हुई है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं टेक्निकल असिस्टेंट की भी काफ़ी वैकेंसीज हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। और पोस्ट का पूरी डिटेल ईडब्ल्यूएस की कितनी है, जनरल की कितनी है, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, सबकी अलग अलग पोस्ट पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, उसके अलावा और भी हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट की है, असिस्टेंट केमिस्ट की है, असिस्टेंट इंजीनियर की है, जूनियर इंजीनियर की है, ड्राफ्टमैन ग्रेड फर्स्ट है, पर्सनल असिस्टेंट है, फार्मिस्ट की है, वो भी अलग अलग में है, जैसे होम्योपैथिक में अलग है, यूनानी आयुर्वेद में अलग है, असिस्टेंट डायरेक्टर की है, असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, जूनियर इंजीनियरिंग, साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी। इसमें आप इसमें कारपेंटर, असिस्टेंट फॉरमैन, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइज़र, प्रोग्रामर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर भी है इसमें और स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए भी है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो देखने को मिल रही है वो है स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी में। 1126 पोस्ट हैं। अगर आप इन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसमें नीचे इसकी एलिजिबिलिटी दी हुई है। हर पोस्ट की अपनी एलिजिबिलिटी दी गई है। इसमें देख पा रहे हैं जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल, जिसमें इसमें 10th है प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा, मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स ऑफ अ रेगुलर ड्यूरेशन इन अ रेवलेंट ट्रेड अवार्डेड बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विलेंट। इसमें जैसे 2 साल का डिप्लोमा प्लस 10th, और यहाँ तो इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन अ रेवलेंट फील्ड और इक्विलेंट, यहाँ तो बैचलर डिग्री चाहिए साइंस में। ये टेक्निकल असिस्टेंट इन पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से ये सबकी अलग अलग दी हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बता दूंगा, इसको आप डाउनलोड करके अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग इसकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कीजिए। एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी कम है। अगर एज लिमिट की बात करें तो सब में अलग अलग है। 18 से लेकर 27 तक भी देखने को मिल रही है और ऐसे 30 इयर्स तक भी देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है। जैसे एसटी एससी वालों के लिए 5 इयर्स होती है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स होती है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स होती है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। इसकी एलिजिबिलिटी आप अकॉर्डिंग टू पोस्ट अपने चेक कर सकते हैं। मैं बता दूंगा इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। ये सब सारी एलिजिबिलिटी चल रही है हर पोस्ट की। इसमें 32 डिफरेंट टाइप की पोस्ट वैकेंट शो हो रही हैं और 32 की भी एलिजिबिलिटी है, नहीं इसमें काफ़ी हो रही है। लेकिन मैंने जैसे आपको फीस बता दी है, इसमें एलिजिबिलिटी में आपकी एज बता दी, जैसे मैंने ये आप देख पा रहे हैं 100 रुपीज़ है और एसटी एससी और वुमन के लिए बिल्कुल फ्री है। और जो इसका एग्ज़ामिनेशन होगा
वो वन टायर या टू टायर एग्जामिनेशन में होगा। और इसके अलावा इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है, ये सिलेबस दिया हुआ है, वन टायर का भी दिया हुआ है, टू टायर का भी दिया हुआ है, और इसका सिलेबस भी आप चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी में जुट सकते हैं और इसके लिए रेडी हो सकते हैं। इसके अलावा चलिए मैं आपको इसकी मेन वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, और इसकी मेन वेबसाइट से आप इस पूरी डिटेल को कैसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी मेन वेबसाइट के लिए आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, dssb.delhi.government.in। जैसे ही आप दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है ये, और इस पर आपको वैकेंसीज दिख जाएगी। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 0121। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी, और इसी वेबसाइट से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने का लिंक आपको 15 मार्च के बाद देखने को मिलेगा 14 अप्रैल तक। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई करेंगे। कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।